वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसे कि हम देख रहे थे हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी और इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्राइवेची हो गए, हिंदी के अंदर विलोम शब्द हो गए, लोकों के मुहावरे हो गए, वैकेंस के लिए एक शब्द हो गए, वैसे इंग्लिश के अंदर हम देख रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटिनम, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी और एडियम और फ्रेजेस। ठीक है, तो यह है उसी सीरीज का जो बूस्टर क्लास चल रही है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, उसका 10वीं क्लास है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, यह आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी हो गई और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर हो गई राजस्थान की। ठीक है, तो इस क्लास से कम अगर आप इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो 40 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छे से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइवेची शब्दों के साथ। तो बहिन, जो सिस्टर होती है, इंग्लिश में सिस्टर बोलते हैं बहिन को, तो उसकी प्राइवेची क्या क्या होंगे? सहोदरा, भगिनी, बांधवी और सह गर्भिणी। तो साथ साथ बोलिए, सहोदरा, भगिनी, बांधवी और सह गर्भिणी। ऐसे स्वर्ग, ठीक है, जो हेवन होता है, इंग्लिश में हेवन बोलते हैं स्वर्ग को, तो उसका क्या हो जाएगा प्राइवेची? नाक, सुरलोक, देवलोक, देवलोक, दिव्यो, परमधाम और दिव। ठीक है, नाक, सुरलोक, देवलोक, द्विलोक, दिव्यो, परमधाम और दिव। ऐसे तालाब का क्या हो जाएगा? जो पौंड होता है, ठीक है, तो तालाब क्या हो जाएगा? सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, सरसी और ताल। ताल, सरसी, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग और सर, ये हो जाएंगे तालाब के। तरु, तरु क्या होता है? पेड़ होता है, तो पेड़, वृक्ष, पादप, सरोरू, विटप, ध्रुम, रुख, गाच, अगम। अगम, गाच, रुख, ध्रुम, विटप, सरोरू, पादप, वृक्ष और पेड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और मेरे साथ साथ बोलिए तो आपको याद हो जाएंगे। तलवार, तलवार को क्या बोलते हैं? खड़क, असी, असीलता, चंद्रहास, करवाल और कृपाण। कृपाण, करवाल, चंद्रहास, असीलता, असी, खड़क। ठीक है, ये हो गए तलवार के प्राइवेची। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप विलोम मतलब साथ साथ बोलिए। ठीक है, जैसे नीरस, सरस, नेकी, बदी, अवनत, उन्नत, ऐसे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो नीरस, सरस, नेकी, बदी, अवनत, उन्नत। नैसर्गिक, नैसर्गिक का होता है प्राकृतिक, ठीक है, और कृत्रिम का हो गया आर्टिफिशियल, ठीक है, जो आदमी के द्वारा बनाया गया। रिक्त, सिक्त, प्रवृत्ति, निवृत्ति, मग्न, दुखी, मानवीय, अमानवीय, समास, व्यास, ठीक है, हास, रुदन। हास, रुदन, समास, व्यास, मानवीय, अमानवीय, मग्न, दुखी, प्रवृत्ति, निवृत्ति, रिक्त, सिक्त, नैसर्गिक, कृतम, कृत्रिम, अवनत, उन्नत, नेकी, बदी, नीरस, सरस। ठीक है, तो ये हो गए विलोम शब्द। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ हो, वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है, जैसे कि लक्ष्य, निशाना और उद्देश्य। ठीक है, जैसे आपका लक्ष्य हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पास होना है, ठीक है, या आरएस के एग्जाम के अंदर पास होना है, या यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो वो आपके लक्ष्य होते हैं, आपके निशाने होते हैं। विग्रह, देवता की मूर्ति, शरीर या लड़ाई। ठीक है, तो गण, समूह, रुद्र के अनुचर, सेना, छंद शास्त्र के आठ पाठ, आठ गण। ठीक है, तो ये हो गए गण के अनेकार्थी। पानी का, जल, चमक और इज्जत। ठीक है, जैसे कि कई बार अपन मुहावरे बोलते हैं कि ये तो पानी पानी हो गया, तो मतलब वो शर्मा गया, उसकी इज्जत या उसका मखोल उड़ा दिया गया। नेक्स्ट है वैकेंस के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे रंगमंच का जो पर्दा होता है, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, तो धीरे धीरे, जैसे अगर आप जयपुर के हैं, ठीक है, तो राजमंदिर में अगर कभी गए हो आप, तो राजमंदिर का जो पर्दा होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है। ठीक है, तो वो रंगमंच का जो पर्दा होता है उसको क्या बोलते हैं? अवनिकी, यवनिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यवनिका। तो आप ध्यान रखेंगे, पश्चिमोत्तर कोण वायु संबंधी वो होता है वायव्य। क्या होता है? वायव्य। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है, जैसे कि तलवार, वो होता है शस्त्र, और फेंककर चलाए जाने वाले जो होते हैं हथियार, वो बोलते हैं अस्त्र। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। शर्तों के साथ काम करने का जो समझौता होता है वो होता है संविदा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला वो होता है सेवार्थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सेवार्थी क्या होता है? सेवा या टहल करने की इच्छा वाला। संविदा, जो शर्तों के साथ काम करने का जो समझौता करता है वो होता है। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले को शस्त्र कहते हैं, फेंककर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। पश्चिमोत्तर कोण या वायु संबंधी जो होता है वो वायव्य होता है। रंगमंच का जो पर्दा होता है उसको यवनिका बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। सावन हरे ना बादवा सूखा, हमेशा एक जैसे रहना। जैसे कि अपने इंडिया के अंदर तो क्या होता है, जैसे बारिश आ गई, सर्दी आ गई, बरसात आ गई, ठीक है, गर्मी आ गई, और जो फॉरेन होता है, यूरोपीय कंट्रीज होती हैं, ठीक है, या स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज होती हैं, उनके अंदर एक सा मौसम रहता है, जैसे कि वहाँ पर हमेशा सर्दी रहती है। ठीक है, तो सावन हरे ना बादल सूखा मतलब एक जैसा रहना। सूरदास की काली कमरी, चढ़े ना दूजो रंग, मतलब
जो स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता है, जो स्वभाव होता है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। यह मुंह और मसूर की दाल, यह है मुंह और मसूर की दाल, सामर्थ्य से बढ़कर बात करना। जैसे कि आप मतलब समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना। जैसे कि आपका जो सामर्थ्य है वो है हाईकोर्ट LDC पास करने का और आप तैयारी कर रहे हो UPSC की, ठीक है, तो सामर्थ्य से बढ़कर बात करना वो हो जाता है, यह है मुंह और मसूर की दाल। लंका में सब 52 गज के, मतलब एक से बढ़कर एक, जैसे कि लंका में कुंभकर्ण हुआ, ठीक है, वेगनाथ हुआ, फिर रावण हो गया, ऐसे। सेकी सेठ पर धोती भाड़े की, ठीक है, सेकी सेठ की पर धोती भाड़े की, मतलब ज्ञान धन ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना, मतलब आपके अंदर ज्ञान कोड़ी भर का नहीं है और आप बड़प्पन दिखा रहे हो, मतलब इसके जैसा स्वामी विवेकानंद जैसा, तो वैसा। फिर सप्तशुद्धि देख लेते हैं। तो ये सप्तशुद्धि याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आपको लिख कर याद करना पड़ेगा या फिर अपने माइंड में दिखाओ। जैसे गत्यावरोध है, तो गत्यावरोध नहीं होता, ये गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध होता है, क्या यह क्या साथ जो मात्रा आती है आपकी वो नहीं आती है, ठीक है। फिर है धनिष्ठ, 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 ठीक है, तो इसमें टैसे टमाटर वाला नहीं आएगा बल्कि ठटेरा वाला टा आएगा, तो ये धनिष्ठ होगा। त्योंवार, तो त्योंवार में मात्रा दो नहीं आती बल्कि एक आती है, त्योंवार होता है। दुरावस्था, दुर्व्यवस्था होती है, दुर्वस्था होती है, दुरा नहीं होता। नुपुर, नुपुर में जो मात्रा होती है वो बड़ी होती है, ना कि नुपुर में छोटी मात्रा होती है, तो बड़ी मात्रा होती है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम इंग्लिश के अंदर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ठीक है, जो अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है, और बड़े ही सम्मान से अपनी सर्विस को डिस्चार्ज, मतलब अपनी रिटायर्ड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एमेरिटस, क्या बोलते हैं, एमेरिटस। ए पर्सन इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम, जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर, क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू होली प्लेस, ठीक है, जैसे कि चार धाम की यात्रा करते हैं, ठीक है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बोलते हैं पिलग्रिम, क्या बोलते हैं, पिलग्रिम, तो ये आपको ध्यान रखते हैं। फिर नेक्स्ट है वन हु स्टडीज द स्टार्स एंड स्काई, जो तारों और आकाश के जो आकाश का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनोमर, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनोमर। ए प्लांट दैट ड्रॉज सस्टेनेंस, ए प्लांट दैट ड्रॉज सस्टेनेंस फ्रॉम अनुदर, उसको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कोई किसी पेड़ के ऊपर कोई बेल चढ़ी होती है, ठीक है, और वो अगर वो पेड़ सूख जाता है तो वो बेल भी सूख जाती है, तो उसको बोलते हैं परजीवी, पैरासाइट, परजीवी। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब वह बच्चा जिसके पेरेंट्स मर जाते हैं, माता पिता मर जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्फन, जिसको अनाथ कहा जाता है हिंदी के अंदर। नेक्स्ट है ए डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बींग, जो डेड बॉडी होती है किसकी, मानव की, ठीक है, उसको कॉप्स, कॉप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉप्स, CORPSE, ठीक है, कॉप्स। ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर को काउंटर एक्ट करती है, ठीक है, वो उस दवाई को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एंटीडोट। तो आपने क्रिस मूवी देखी होगी, तो क्रिस मूवी के अंदर वो जब विवेक ओबेरॉय होता है वो पूरे शहर के अंदर वायरस फैला देता है, ठीक है, तो जो ऋतिक रोशन होता है उसके ब्लड से एंटीडोट बनाया जाता है ऋतिक रोशन के पिताजी के द्वारा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। जैसे कि कोरोना की एंटीडोट क्या है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, ठीक है, तो वो सारी एंटीडोट है किसी कोरोना की। नेक्स्ट है ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू देवतीज, ठीक है, देवतीज क्या होती है, देवियां, जैसे देव होते हैं वैसे देवियां, देवतीज होती है। ए ट्रेडिशनल स्टोरी, ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू देवतीज, उसको बोलते हैं मिथ, ठीक है, मिथ मतलब होता है झूठा। दैट विच कैन इजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब जो बिना किसी टूटन के आसानी से मुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। जैसे कि आप जो हैं आप तैयारी कर रहे हो घर से दूर रहकर, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था में आप जैसे एडजस्ट करते हो, आप इजीली मतलब इजीली कर्व हो जाते हो, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, तो आप क्या हो, एक फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट है वोकैब, तो वोकैब देख लेते हैं हम, इसके बिना भी कुछ नहीं है ना, इंग्लिश वोकैब के बिना बिल्कुल खत्म है। क्वेक, क्वेक होता है नीम, हकीम या डॉक्टर होने का पाखंड करने वाला। आपने अगर आप गांव से हैं तो ये आप समझ जाओगे, गांव के अंदर क्या होता है, एक क्या होता है, बंगाली, बंगाली के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, वो नीम हकीम या डॉक्टर होने का पाखंड करता है और गांव वालों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ऐंठता है, तो क्वेक का मतलब होता है नीम हकीम या डॉक्टर। इसका जो सिनोनिम होगा यानी कि प्राइवेसी होगा, यानी कि फेक और चीट, और एंटोनिम क्या होगा, रियलिटी और जेन्युइन, ठीक है। योक, योग मतलब होता है दासता या गुलामी, जैसे प्राचीन काल के अंदर दास हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, ठीक है, तो योग होता है दासता या गुलामी। इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, बर्डन, हार्डनेस और स्लेवरी, और एंटोनिम होगा मास्टरी।
सर्वेंट, सर्वेंट क्या होता है, नौकर, ठीक है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा हेल्पर या स्लेव, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, मास्टर या मिस्ट्रेस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है ट्रेजडी, तो ट्रेजडी होता है मतलब बहुत दुखद घटना या स्थिति, जैसे कि अभी साइरस मिस्त्री हमारे मर चुके हैं, ठीक है, जो बड़े ही उद्योगपति थे, और टाटा सन्स जो है उसके पूर्व चेयरमैन थे, ठीक है, सड़क दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, तो ये एक ट्रेजडी हो गई मिस्त्री परिवार के लिए, ठीक है, और उद्योग जगत के लिए भी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिजास्टर, क्लेमिटी और फेलियर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉर्चून, एडवांटेज, ठीक है, तो ये हो गए फॉर्चून और एडवांटेज। फिर है फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव क्या होता है, भगोड़ा, जैसे कि विजय माल्या है तो बैंकों के पैसे लेके वो लंदन भग गया, तो वो हो क्या हो गया, फ्यूजिटिव हो गया, भगोड़ा हो गया। ऐसे ही नीरव मोदी है, वो भी बैंकों से लोन लेकर भग गया, तो वो भी क्या हो गया, फ्यूजिटिव, भगोड़ा हो गया। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्केप और डिजर्टर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कैप्टिव, परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग। अब ऐसे देखते हैं इडियम ऑफ फ्रेजेस, तो इडियम ऑफ फ्रेजेस जैसे हिंदी के अंदर लोगों के मुहावरे होते हैं, वैसे ही इंग्लिश के अंदर इडियम ऑफ फ्रेजेस होते हैं। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल मतलब विद ऑल वंस एनर्जी, मतलब अपनी सारी ऊर्जा के साथ आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, मतलब टूथ एंड नेल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल, दे वर प्रिपरेशन टूथ एंड नेल, दे वर प्रिपेयरिंग टूथ एंड नेल ऑफ हाईकोर्ट एलडीसी। अंडर द टेबल मनी पेड सीक्रेटली, जैसे कि घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, ठीक है, तो उसको अंडर द टेबल बोलते हैं। देर इज ए समथिंग अंडर द टेबल, व्हाइट एलिफेंट, समथिंग कॉस्टली बट यूजलेस, ठीक है, मतलब व्हाइट एलिफेंट ये यूरोप के अंदर पाए जाते हैं, ये किसी काम के नहीं होते लेकिन दिखने में अच्छे लगते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं। विंडफॉल, विंडफॉल होता है टू गेट सडन वेल्थ, ठीक है, जैसे कि कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, खबरें भी आपने देखी होगी कि किसी के बैंक अकाउंट में अचानक से करोड़ों लाखों अरबों रुपए आ जाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं गेट टू गेट सडन वेल्थ। द मनी गिवन बाई मिनिस्टर वॉज रियली ए विंडफॉल फॉर द पुअर मैन। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस मतलब एक्सीलेंट वर्क, ही डिड ए ह्यूमन सर्विस टू डेवलप द स्कूल। तो ये आप एडियम फ्रेजेस आपको याद रखने। फिर है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, जैसे हिंदी के अंदर सपशब्दी होते हैं वैसे ही इसके अंदर कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं। अबेटमेंट, ये नाउन है, संज्ञा है, इसका मतलब होता है समापन या कटौती। द सिटी स्पेंड्स $90 मिलियन ए ईयर ऑन ए पॉपुलेशन, ऑन ए पॉल्यूशन अबेटमेंट, ठीक है, अबेटमेंट मतलब होता है समापन या कटौती। एक होता है अबेटमेंट, इसके अंदर ए है और इसके अंदर ई है, तो आपको ध्यान रखना है अबेटमेंट जो होता है नाउन वो होता है समापन और कटौती, और जो अबेटमेंट होता है वो उकसाहट होता है। सच एक्ट्स विल बी ट्रीटेड एज अबेटमेंट टू फ्रॉड, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है एक्सेंट, जैसे कि आप बचपन से ब्रिटेन या अमेरिका में रहे हो तो आपका जो बोलने का जो एक्सेंट है वो वहां से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है, तो उच्चारण चिन्ह, ही स्पीक्स विद ए स्ट्रॉन्ग बंगाली एक्सेंट। एसेंट, एसेंट क्या होता है, यानी कि सहमत होना, मतलब आप किसी के विचारों से सहमत हो तो आप मतलब उससे एसेंट करते हो, उससे सहमत हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मतलब पूरा करना, ठीक है। देर आर सेवरल डिफरेंट वेज टू एकम्प्लिस द सेम टास्क, जैसे कि कई सीरियल किलर होते हैं और उनके उनके मर जाने के बाद उनके परिवार में से या फिर उन्हीं का कॉपी कैट कोई दूसरा आ जाता है तो वो उसका अंकम्प्लिस होता है, मतलब उसका अधूरा काम वो पूरा करना, ठीक है। फिर है एकम्प्लाइस, यह है सह अपराधी। द गनमैन एस्केप ऑन ए मोटरसाइकिल बींग रिडन बाई एन एकम्प्लाइस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही और क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।